नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार धर्मेंद्र गढ़ में। मित्रों, उम्मीद करता हूं क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है, क्योंकि जो आपकी डेट शीट है यानी जो परीक्षा की तिथि है वो जारी हो चुकी है। परीक्षा की तिथि 14, 16 और 17 PNP द्वारा प्रस्तावित या निर्धारित की हुई है, जैसा कि अभी आपने नेक्स्ट वीडियो में पिछली वीडियो में देखा होगा। तो मित्रों, आप अपनी अब परीक्षा आ चुकी है, आप निश्चिंत हो जाइए और अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से जुड़ जाइए, क्योंकि अपनी तैयारी को इस तरह प्रिपेयर किया गया है आपको। अगर आपने अकेडमी का क्लास ली है तो जो आपका स्कोर होगा वो इस बार 90+ स्कोर ही चाहिए, और आप हमें अवश्य ही रिजल्ट के बाद कमेंट अवश्य करोगे कि हाँ सर ये हुआ था। इसलिए इस श्रृंखला में हम आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों की सीरीज लेकर आए। इससे पहले हमारे मॉडल प्रश्न पत्रों की श्रृंखला थी, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाएँ या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पर लिंक दिया हुआ, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इस तरह आपको प्रश्नों को संकलित किया गया था, मॉडल पेपर है जो आपकी परीक्षा से संबंधित यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया था। और यह पेपर जो आया है आपका चतुर्थ प्रश्न पत्र जो कि गणित का है, और यह पेपर 2017 का संपूर्ण हल सहित मित्र है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने थे आपको, जो पिछला जो होता है आपका एक माइंड सेट हो जाता है जिससे आपका प्रिपेयर यानी तैयारी करने में आपको कोई असावधानी नहीं होती, यानी अच्छी तरीके से आप सावधान तरीके से आप क्या करते हैं तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका कहाँ से क्या पूछा जाता है, क्या कहाँ से निकले जाते हैं क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह आप अपने माइंड को सेट कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। इसीलिए मित्रों, हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयरों की प्रश्नों की श्रृंखला है प्रश्न पत्रों की, जैसा कि आपने देखा होगा। और चैनल पर गए हैं तो आप चैनल पर जाकर देखें, सभी प्रीवियस ईयरों के प्रश्न पत्रों की श्रृंखला जारी है, और आपको जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती, आपकी 90+ स्कोर नहीं होता, हम आपके साथ ही रहेंगे, क्योंकि इसके बाद आपको यूपी टेट और सुपर टेट जो कि परीक्षा यानी यूपी टेट में भी आपको वैलिड हैं, आप यूपी टेट भी क्रैक करेंगे। तो आप बने रहिए चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए कि सभी शिक्षक साथियों के साथ इसे अधिक से शेयर कीजिए, क्योंकि इस बार यूपी टेट में 120 पार टैगलाइन के साथ आप भी हमारे साथ इस बार यूपी टेट में सफल होंगे, क्योंकि आपकी मेहनत और हमारे सफल प्रयासों द्वारा इस बार यूपी टेट पार आपका होगा। तो देखिए चलते हैं आगे, क्योंकि यूपी DLED सफ़र मास्टर बनने तक का, क्योंकि ये एक ऐसा सफ़र है जिस सफ़र पर आप चल रहे हो, वह सफ़र एक ऐसा है कि यहाँ पर इस सफ़र पर चलने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एक सीट आपकी सरकारी विद्यालय में रिजर्व या पक्की करने के लिए, यूपी टेट की बेहतर तैयारी के लिए और अपना स्कोर 120+ स्कोर के लिए शीघ्र ही आप अपने परिवार को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब आप ही का परिवार है, आप सभी का परिवार है, इसलिए आप ही का इतना प्यार है। मित्रों, तो आप सभी परिवार को सब्सक्राइब करें और यूपी टेट और DLED संबंधी यानी सभी शिक्षक संबंधी KVSC टेट आदि सभी शिक्षक संबंधी परीक्षाओं के लिए ये परिवार आपके साथ रहेगा, क्योंकि जब तक आपकी एक सीट सरकारी विद्यालय में पक्की नहीं हो जाती हम आपके साथ रहेंगे और पग पग पर आपका सपोर्ट करते रहेंगे। मित्रों, तो यह जो एग्जाम पत्र है यानी प्रश्न पत्र है द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा 2017 का है, और यह जो है चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी कि मैथ का है। काफ़ी बच्चों की कमांड आ रही थी कि सर आप मैथ का प्रश्न पत्र यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों को शीघ्र कराएं, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए हम लेकर आए हैं। इससे पहले भी हमने आपके प्रीवियस ईयर पत्रों को दिया हुआ है, आप जाकर चैनल पर देखिए और उन्हें समझिए, क्योंकि बेहतर तैयारी के लिए बेहतर स्कोर के लिए आपको मेहनत करनी होगी मित्रों, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है, क्यों बिन मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलता है। मेहनत आपकी, सफल प्रयास हमारे, इस प्रकार दोनों ही मिलकर अपना जो 90+ एवं हम लेकर आएंगे। तो इस प्रश्न पत्र को करने का समय 1 घंटे निर्धारित होता है मित्रों, और इसका पूरा अंक 25 अंक है। मित्रों, यह वीडियो थोड़ा लेंथी यानी लंबा हो सकता है, क्योंकि सभी मैथ के पेपरों को प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया गया है, आपको समझा कर अच्छी तरीके से व्याख्या सहित समझाया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक वैसे देखें, क्योंकि इस यानी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों से लगभग 40 से 50% आपका जो एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि एग्जाम में क्या करते हैं कई साल के एग्जाम जो प्रश्न पत्र हैं उन्हीं को रिपीट करते रहते हैं, उसी में से कुछ इधर से लिया, कुछ उधर से लिया, कुछ उधर से लिया, क्योंकि समय उतने पास उतना नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों से ही एक एक दो दो क्वेश्चन उठा लेते हैं और आपका नया प्रश्न पत्र तैयार हो जाता है। मित्रों, इसलिए अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर के आप जितने प्रश्न पत्र हैं वैसे तो अकेडमी पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, अगर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं तो आप वहाँ से भी कीजिए। मित्रों, तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है, प्रश्न पत्र के निर्धारित जो अंक हैं उसके सम्मुख दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में एवं लघु उत्तरीय प्रश्नों के लगभग आपको 75 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। मित्रों, तो फर्स्ट पार्ट है इसका जो कि वस्तुनिष्ठ का है, और इसके लिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। तो देखिए योग का तत्समक अवयव क्या कहता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि योग का जो तत्समक अवयव है वो शून्य होता है, आपको याद रखना होगा पूर्ण संख्याओं में। प्रश्न संख्या 2 है
छप्पन सत्तर चौरासी का लघुत्तम समापवर्त क्या है? तो देखिए छप्पन सत्तर और चौरासी को हम इस विधि से यानी गुणनफल विधि से जब लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे तो इसका जो निकल कर आएगा वो 840 यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। इसी तरह आप इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, समीकरण दिया हुआ है 2.8x बराबर 5.4 प्लस एक्स, तो हल करना है। तो देखिए 2.8x इज इक्वल टू 5.4 प्लस एक्स दिया हुआ है। तो देखिए 2.8x है और ये दिया हुआ है इज इक्वल टू में दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं हम x गुणांक वाले को x के साथ रख लेते हैं, तो 2.8x और ये प्लस का चिन्ह है, जब हम इसे पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा बराबर 5.4 हो जाएगा आपका। अब देखिए 2.8 से आपको 1x घटाना है, तो हमारे पास जो बचेगा 1.8 बचेगा और x बचेगा इज इक्वल टू 5.4 होगा। यहाँ से इसे 18 से, क्योंकि दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 18 से अगर हम डिवाइड देंगे तो 18 दुनी 36 54, जो हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू 3 आएगा मित्रों। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 400√3 वर्ग सेमी हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 और भुजा का स्क्वेयर। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, भुजा ज्ञात करनी होगी। जब भुजा ज्ञात करेंगे तो भुजा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे आप 400√3। जब क्षेत्रफल की वैल्यू पुट करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा इसे सॉल्व करेंगे और हमारी भुजा की वैल्यू आ जाएगी। भुजा की वैल्यू आ जाएगी तो आप उसके क्या करेंगे, परिमाप का मतलब होता है किसी भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, जहाँ बिंदु से हमने शुरू किया है वहीं पर पहुँचना, उसी की यानी परिक्रमण करना। तो देखिए तीन भुजाएँ हैं त्रिभुज की, तो तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, एक भुजा आएगी और कैसा है समबाहु त्रिभुज है, तो देखिए आपको पता चल जाएगा, और भुजाओं को जोड़ देंगे। इस प्रकार जब जो आंसर आएगा हमारा फोर्थ का वो आपका आएगा 120 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में करेक्ट है। प्रश्न संख्या 5 है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस 9y² और एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस 8y² का योगफल होगा। तो देखिए ये दोनों समीकरण दिए हुए हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो x को x के गुणांक के साथ जोड़ेंगे तो 2x² हो जाएगा हमारा मित्रों, कितना हो जाएगा हमारा 2x², क्योंकि अचर राशियों को जिनके साथ जो गुणांक है उन्हीं के साथ उसका योग होता है, आपको याद रखना है। और 2xy जो कि माइनस का है और ये 2xy प्लस का है, तो ये तो फिनिश हो जाएगा, कट जाएगा। और देखिए ये 9y² ये प्लस का है और ये जो है वो माइनस का 8y² है, तो अधिक क्या संख्या है, अधिक संख्या प्लस वाली है, इसलिए जो हमारे पास होगा वो 2x, तो हमें दोनों को जोड़कर आया था x² प्लस x² को, जब इन्हें जोड़ेंगे तो 9y² से ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की कम है और प्लस की अधिक है, तो ये हो जाएगा क्या आपका, जो प्लस का बचेगा प्लस का लिखेंगे और 22। इस तरह जो हमारा निकल कर आया आंसर आया आपका 2x² प्लस 22, जो कि आंसर ऑप्शन बी में है, जो कि करेक्ट होगा। तो इस तरह इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी होगा मित्रों। नेक्स्ट श्रृंखला है अति लघुत्तरीय प्रश्नों की है, और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आप बड़ी सावधानी से करें, क्योंकि मैथ है, अगर छोटी सी भी गलती होगी तो आपके अंक काट लिए जाएंगे, इसलिए विशेष सावधानी के साथ मैथ को सॉल्व करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, x ब्रैकेट में y-z प्लस y ब्रैकेट में z-x प्लस z ब्रैकेट में x-y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यह दिया हुआ है x का और इसके ब्रैकेट का, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। तो सबसे पहले जो दिया होता है हम उसे लिखेंगे, तो दिया हुआ हमारे पास x कोष्ठक में y-z प्लस y z-x प्लस z x-y, जब हम x का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा और माइनस xz हो जाएगा। इसी तरह आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो yz माइनस yx हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का zx और माइनस का zy हो जाएगा। और देखिए जो प्लस माइनस की होती हैं वो क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो xy प्लस का था और xy ये माइनस का है, और इसी तरह xz माइनस का है और zx यानी प्लस का है, और जो yz प्लस का है और zy आपका माइनस का है। इसी तरह प्लस माइनस वाले आपस में क्रॉस हो जाएंगे, जब देखो ये सभी कट गए तो जो हमारे पास क्या बचेगा, शून्य बचेगा, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो शून्य होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 7 है, एक रेलगाड़ी की चाल दी हुई है x² प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि हमारी जो चाल दी हुई होती है वो सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है या सेकंड्स में है, और वह इतने समय में यानी x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी
तय करेगी। तो देखिए चाल दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय दिया हुआ हमारे पास x प्लस 2 घंटे और दूरी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दिया हुआ होता है प्रश्न में हम उसे नोट करेंगे। तो दिया क्या है हमारे पास, रेलगाड़ी की चाल दी हुई है कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर पर हार्स और समय दिया हुआ है x प्लस 2 घंटे। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर फार्मूला होता है आपका, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो हम दूरी को निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूरी इक्वल टू निकल कर आएगा चाल इंटू समय, यानी चाल और समय को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो चाल दी थी रेलगाड़ी की एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2 और जो समय दिया हुआ था वो x प्लस 2 घंटे था। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमें जो मिलेगा एक्स क्यू मिलेगा प्लस 3x स्क्वायर मिलेगा प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस के 8x और प्लस के 4। तो देखिए इसको सीक्वेंस में जोड़ेंगे, सीक्वेंस में रखेंगे क्योंकि सबसे पहले द्विघात समीकरण त्रिघात समीकरण बनेगा। तो सबसे अधिक घात वाला एक्स क्यू प्लस इससे 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा और इसी तरह 6x है जो आपका 3 × 6 6 और 2 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा और प्लस का 4। तो इस तरह जो आपका निकल कर आएगा यानी दूरी निकल कर आएगी आपकी एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 4। तो ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, x प्लस 1/x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अगर यही प्रश्न ऑप्शन में होता तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, अगर x इजिकल टू कोई संख्या यानी p दी हुई, हमने 5 को क्या लिया, p मान लिया है, तब स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। अगर ये प्लस में है तो वो जो वैल्यू समीकरण आएगा यानी पी स्क्वायर माइनस 2 माइनस में आएगा, अगर ये माइनस में है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, इतना आपको याद रखना होता है। तो देखिए हम सीधे ही इसे निकाल सकते थे, पी का यानी 5 का स्क्वायर करते हैं हम, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 माइनस 2, जब 25 से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 23 आंसर आएगा। लेकिन आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक अपनानी नहीं है क्योंकि आपको सॉल्व करना है। तो देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे, क्योंकि x प्लस 1/x बार और 5 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्वेश्चन मार्क यानी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से आपको यानी बीजगणित का एक आइडेंटिटी है। जैसे ही हम x प्लस 1/x का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 × x इंटू 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया। अब जानते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपके पास 5 दी हुई है इसलिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे और इधर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ पर जो बचेगा वो 2 होगा। जब 2 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 25 माइनस 2 हो जाएगा जो कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा और इसी की वैल्यू जो आएगी 25 से 2 घटाएंगे तो हमारा 23 आंसर आएगा। देखिए मित्रों जो शॉर्टकट ट्रिक से निकला था वही यहाँ से निकला है क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक हमारी वैलिड है सभी, तो इसीलिए आपको सभी शॉर्टकट ट्रिक्स मिलेंगी आपको और जो बेसिक्स है वो भी आपको मिलेगा है। प्रश्न संख्या 9 है मित्रों, -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। आपको याद रखना है अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया है, अगर संख्या माइनस की है तो उसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो प्लस का होगा, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम का अर्थ होता है अगर कोई संख्या x है तो हमें इसमें कितना जोड़ें कि वह संख्या शून्य हो जाए, बस आपको इतना याद रखना है कितना जोड़ें कि संख्या शून्य हो जाए। तो x में हम माइनस x यानी जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और ये आपका योगात्मक प्रतिलोम होगा, इसलिए जो x का योगात्मक प्रतिलोम होगा वो माइनस होगा। इसी तरह जो माइनस का 9/11 है अगर इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालें तो हमारा प्लस का 9/11 होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कटने पर हमें क्या है शून्य मिलना चाहिए, यही योगात्मक प्रतिलोम का नियम है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा आपका प्लस का 9/11 इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। प्रश्न संख्या 10 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की माप बताइए। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई दी हुई है, आपको त्रिभुज का आधार यानी बेस ज्ञात करना है। तो प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले उसे लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर, आधार आप यानी बेस आपको फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जितने फॉर्मूले आपके 2D 3D के आप उन्हें याद रखें अवश्य, क्योंकि एक प्रश्न एक से या दो प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे और एक ट्रेसिंग वाला मिलेगा यानी बाउंड्री कराई है उसके तार लगाने हैं या टाइल्स बिछाने हैं वह तो आप देख कर ही जाएँ बिल्कुल। तो देखिए यह कितना दिया हुआ था हमारे पास 48 दिया हुआ था, 1/2 आधार की वैल्यू सॉरी ऊंचाई की वैल्यू हमने क्या किया पुट कर दिया, ऊंचाई कितनी दी थी 8 और बेस आपको ज्ञात करना था। तो देखिए
क्रॉस करेंगे तो इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और 8 इसका डिवाइड हो जाएगा, यानी 8 से इसमें भाग लग जाएगा। और जो आधार की वैल्यू निकलेगी 2 से इसे 4 बार काट देंगे, 4 से अगर 4 एक 4 4 2 8 और जो कटेगा 12 बार कटेगा। और इस तरह आपका जो आधार यानी बेस निकलेगा वो 12 सेंटीमीटर आपका उत्तर होगा। मित्रों प्रश्न संख्या 11 है, -5 -45 ब्रैकेट में और उससे पहले भी चिन्ह लगे हुए हैं भाग -15 ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट -3 -5 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार के ये बोर्ड मास के नियम से फॉलो इसे सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड को करना होगा। तो जब इसे डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस के दोनों हैं, तो जो डिवाइड की संख्या है यानी हमारे पास निकलेगी प्लस की 3 निकलेगी, लेकिन ये ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है इसलिए ये जो हो जाएगा वो माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का आपका 5 पहले से ही है। और यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है, प्लस का है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे और ये प्लस और मल्टीप्लाई यानी माइनस और प्लस के 5 का जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका माइनस का 15 हो जाएगा। मित्रों अब इन सभी को देखो, सभी माइनस वाले हैं तो सभी माइनस वालों को जोड़ देंगे, माइनस का 15 और माइनस का 5 20 हो जाएगा और माइनस का 3 इजिकल टू जो आपका आंसर निकलेगा वो माइनस का 23 होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा। मित्रों नेक्स्ट है आपका लघुत्तरीय प्रश्न है और लघुत्तरीय प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होती हैं, इसलिए प्रश्न को करने से पूर्व उसे समझें, उसी का आंसर देखिए, प्रश्न का आंसर उसी में दिया होता है इसलिए आपको समझना है, बस समझने भर की देरी है। अगर आपने समझ लिया तो आप उत्तर स्वयं दे देंगे। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16 एवं 21 से विभाजित हो जाए। देखिए अगर छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है तो आपको याद होगा कि छोटी से छोटी जब भी संख्या पूछी जाती है तो आपको एलसीएम ज्ञात करना होता है, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना होता है, एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है इसलिए जो हमारे पास दिए हुए हैं 12, 16 और 21 का हमें क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे यानी लघुत्तक समापवर्तक हम ज्ञात करेंगे। तो 12, 16 और 21 का लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे तो गुणनखंड विधि से। तो देखिए 12, 16, 21 जब 2 से डिवाइड देंगे तो 6 बार गया और 16 में 2 से डिवाइड देंगे तो 8 बार जाएगा, 21 में नहीं जा रहा तो एज इट इज रख देंगे। आगे 2 से डिवाइड दिया 6 में तो 3 बार गया और 8 में दिया तो 4 बार गया, 21 नहीं गया तो एज इट इज रख देंगे। आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जब तक ये हम करते हैं प्रक्रिया अपनाते जब तक अंतिम अंक 1-1 ना हो जाए, तो इसी तरह हम कंटिन्यू करके अंत में ये आपके गुणनखंड निकल कर आते हैं। हमारे गुणनखंड क्या निकल कर आते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो देखिए इन सभी का 2 × 2 = 4 × 8 × 2 = 16 × 3 = 48 और मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो हमारा जो आएगा 336 आएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि प्लस में अभी आपका 336 जो दिया हुआ है वो आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए प्रश्न पर लिख सकते हैं आपको। देखिए प्रश्न में कहा था कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 7 घटाने पर हुए, यानी जो आएगा आंसर वो है 7 घटा हुआ है, यानी जो हमारा आंसर निकला है इसका एलसीएम निकला है वो 7 घटा हुआ है, 7 घटाने पर। तो हमें क्या करना होगा, इसमें 7 को ऐड करना होगा, आपको इतना याद रखना होता है लास्ट में, क्योंकि आप क्या करते हैं बच्चे कुछ बच्चे यहीं तक इसे छोड़ देंगे और हमारा आंसर हो गया, ये आपका पूर्ण आंसर नहीं है, यही आप गलती दोहराते हैं, इसलिए वो गलती ना करें। क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 7 घटाने पर यानी जो हमारा एलसीएम निकलेगा वो 7 घटा हुआ निकलेगा और हमें क्या करना होगा, उस संख्या में 7 ऐड करना होगा। जब हम 336 में 7 ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 343 वह संख्या होगी हमारी करेक्ट उत्तर, 343 हमारा सही उत्तर होगा। आप गलती ना करें और गलती को ना दोहराएं इसलिए आपको बताया जा रहा है, क्योंकि अगर प्रश्न में एजिटेज दिया है तो प्रश्न को समझें पढ़ें, क्योंकि आप शीघ्रता से उसे सॉल्व तो करते हो लेकिन अंत में अंत के शब्दों को आप भूल जाते हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर हमें 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च क्या आएगा। तो देखिए कोई आयताकार यानी रेक्टेंगल है, मैदान है आपका और लंबाई 80 मीटर दी हुई है, उसकी चौड़ाई 60 मीटर दी हुई है और बीचों बीच एक रास्ता निकालना है जो कि लंबाई के समांतर 5 मीटर का होगा और चौड़ाई के समांतर हमारा 3 मीटर का है, उसे खर्च जो है वो 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम आपको फिगर से समझाने की कोशिश करेंगे। हमने मान लिया कि ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल या आयत है और जो लंबाई है इसकी 80 मीटर है और इसकी चौड़ाई है 60 मीटर है और इसके मध्य जो बीच से रास्ता निकाला है जो लंबाई के समांतर 5 मीटर है इसकी और जो चौड़ाई है 60 की उसकी मीटर 3 मीटर है। एज इट इज आपको ऐसे चित्र बनाना होगा और जो दिया है उसे हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो आयताकार मैदान की लंबाई हमारे पास 80 मीटर दी हुई है, चौड़ाई 60 मीटर दी हुई है। तो इस तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैदान कैसा है हमारा, आयताकार है,
तब सड़क का क्षेत्रफल। तो मैदान आयताकार है तो हमें सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। जब सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए इसकी भुजा क्या है हमारी 80, और 80 एजिटेज इसे रास्ता निकाला है लंबाई वाला, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई से जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा लंबाई हमारे पास 80 दी हुई थी और 5 चौड़ाई दी हुई है, जो कहो कि 5 मीटर का आपका क्या रास्ता है। तो इस तरह जो सड़क का क्षेत्रफल निकलेगा वो हमारा 400 मीटर स्क्वायर निकलेगा। इसी तरह आगे चौड़ाई के समांतर निकालेंगे, क्योंकि अभी हमने लंबाई के समांतर निकाला है, तो क्या हो जाएगा वही होगा फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई हमारी 60 दी हुई है और चौड़ाई के समांतर जो 3 मीटर चौड़ा हमारा रास्ता है, इसलिए इसका जो क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर निकलेगा 180 मीटर स्क्वायर निकलेगा। लेकिन चौराहे चौराहे का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 × 3 = 15 मीटर स्क्वायर। देखिए चौराहे क्या है, चौराहे आपका ये बीच वाला है मध्य वाला, क्योंकि यहाँ पर दोनों चौराहों को मेल है 5 की भी और 3 का भी, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा 5 × 3 जो कि निकल कर आएगा आपका 15 मीटर स्क्वायर। इस तरह सड़क का कुल क्षेत्रफल आपको किस तरह प्राप्त होगा कि दोनों क्षेत्रफलों को हम क्या करने होता है ऐड करना होता है। जब दोनों क्षेत्रफलों को ऐड करेंगे तो 400 + 180 को ऐड करते हैं तो हमारा जो आता है 580 मीटर आएगा, सड़क का कुल क्षेत्र पाएगा। लेकिन हमारे पास अभी क्या है शेष भाग, हमने क्या है चौराहे को भी काउंट किया हुआ है, यानी गिनती हुई है उसकी, गिनती हुई है, तो क्या करते हैं हम जो चौराहे होता है उसे हम घटा देते हैं सिंपल तरह से कहें तो चौराहे क्या है एक स्क्वायर है, और देखिए तब शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, हमारा चौराहे का क्षेत्रफल कितना निकला था 15 मीटर, तो 580 माइनस 15 कर देंगे हम। जब 580 माइनस 15 करेंगे तो जो हमारे शेष भाग का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 565 मीटर स्क्वायर निकलेगा। मित्रों 565 मीटर स्क्वायर हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि उसने खर्च के रुपये में दिया हुआ है, प्रति वर्ग मीटर उसका 15 रुपये मीटर खर्च हो रहा है, तो कुल खर्च निकालेंगे तो क्या होगा जो हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल निकला हुआ है उसमें और जो हमारे रुपये का खर्च आ रहा है प्रति वर्ग मीटर का है, हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 गुणा हो जाएगा हमारा 565 वर्ग मीटर। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8475 वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर आपका क्या होगा इसका कुल खर्च निकलेगा मित्रों, यानी रुपये निकलेंगे आपके 8475 रुपये जो कि इसका बनाने में खर्च होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, प्रश्न संख्या 14 दी हुई है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7.1 सेंटीमीटर है और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। PQ = दिया हुआ है आपका 7.1 सेंटीमीटर, QR बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और PR बराबर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता का परीक्षण करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, त्रिभुज ABC बनाना होगा और त्रिभुज PQR बनाना होगा और इनकी जो लंबाई दी हुई है सेंटीमीटर में उसे डिनोट कर देंगे लिखेंगे। तो देखिए हमने एक त्रिभुज बनाया ABC और इसकी जो भुजा दी हुई है वो AC भुजा 5 सेंटीमीटर है, BC भुजा 7.1 सेंटीमीटर है और AB भुजा 3.5 सेंटीमीटर है। इसी तरह हमने नेक्स्ट यानी एक और त्रिभुज बनाया जिसका नाम दिया PQR, तो PQ भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, QR भुजा 5 सेंटीमीटर है जबकि PR भुजा हमारी 7.1 सेंटीमीटर है। अब देखिए सर्वांग समता का नियम क्या कहता है, सर्वांग समता के 3 नियम होते हैं, तो देखिए इसमें जो फॉलो हो रहा है वो त्रिभुज यानी भुजा SS यानी सभी भुजाएं क्या है हमारी इक्वल हैं। अगर हमारा होता है SAS ये नियम होता है अलग से और AAS ये आपके नियम्स होते हैं सर्वांग समता में, यानी साइड एंगल साइड या साइड 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 या एंगल एंगल साइड एंगल, इस तरह के ये नियम्स होते हैं जिनमें से किन्हीं दो का होना अब सर्वांग समता का रूल कहता है। तो अगर इसका फॉलो करते हैं तो इस तरह ये जो नियम को यानी हमारे तृतीय नियम SSS यानी साइड साइड साइड, क्योंकि सभी त्रिभुजों की यानी दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएँ हैं वो इक्वल हैं देख पा रहे हो आप, इस तरह यह हमारा सर्वांग समता के यानी भुजा के नियम को फॉलो करता है, इसलिए यह त्रिभुज सर्वांग सम होगा। प्रश्न संख्या 15 है, यदि 2x + 1/x = 4 है तो x³ + 1/8x³ का मान कीजिए। इस तरह प्रश्न आपसे काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि सिंपल प्रश्न को तो आप 1/x x + 1/x को सॉल्व कर लेते हैं, इस तरह के प्रश्नों में बालक थोड़े से दिक्कत में आ जाते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को सम करने के लिए हम आपको ट्रिक देते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम नोट करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है 2x + 1/x = 4 दिया हुआ है, तो हमें x³ + 1/8x³ की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये क्यू में है यानी वैल्यू हमें क्यू में निकालनी होगी, तो हमें क्या करना होगा
अगर हम इसमें दो का डिवाइड दें तो दो का डिवाइड देने से यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ पर टू से यानी टू एक्स हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो से डिवाइड दिया, जब दो से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स बराबर दो आएगा, क्योंकि दोनों साइड्स में भाग लगता है, अगर किसी एक साइड में भाग देंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों तरफ हमें दो से भाग दिया था। दो से भाग देने पर हमारा जो आया था वो एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स बराबर दो आया था। अब हमें याद हो गया कि वह एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्रिया हो गई, उसकी जगह क्या है हमारा टू एक्स है बस। तो देखिए इसका क्या करेंगे, हम क्यू कर देंगे। जब हम इसका क्यू करेंगे तो देखिए एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स का क्यू करेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यू आपका क्या कहता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। इस तरह हम इसे ओपन करेंगे आइडेंटिटीज के बीजगणितीय से, तो ए एक्स क्यू प्लस वन अपॉन टू एक्स क्यू प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपॉन टू एक्स और ब्रैकेट में हमारा एक्स प्लस टू एक्स आएगा। मित्रों एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और जो x की वैल्यू हमारे पास है यानी x प्लस वन अपॉन टू एक्स इजिकल टू दो हमारे पास है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दो का क्यू हो जाएगा एक्स क्यू प्लस एट एक्स क्यू प्लस तीन बट्टे दो इंटू, इसकी वैल्यू हमने दो पुट की, दो से दो कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा हमारे पास तीन बचेगा। इस तरह एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एट एक्स क्यू बराबर इसका क्यू कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। इसे इधर भेजेंगे या पक्षांतर करेंगे तो आठ माइनस तीन हो जाएगा, आठ माइनस से जब तीन घटाएंगे तो हमारा जो एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एट एक्स क्यू की वैल्यू पाँच आएगी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। मित्रों इस तरह के प्रश्नों को आपको समझदारी से ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक करना होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको प्रश्न को गलत करा सकती है। प्रश्न संख्या 16 है मित्रों, उम्र वाला एक प्रश्न अवश्य आएगा, इसलिए उम्र वाला प्रश्न है ये। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चार गुनी है, छः वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र के ढाई गुने से छः वर्ष अधिक हो जाएगी, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले आपको समझना होता है, प्रश्न को आप पढ़िए, एक बार समझ नहीं पा रहे हैं आप तो दूसरी बार पढ़िए, दूसरी बार भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप तीन बार पढ़िए, क्योंकि जब तक आप प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे आप उत्तर नहीं दे सकते हो। तो इसीलिए प्रश्न को पढ़ना है जब तक आपकी समझ ना आए, आप समझ जाओगे तो आपको उत्तर तुरंत ही उसका दे दोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को पढ़ते हैं, पुनः रिपीट करते हैं। तो देखिए पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चार गुनी है, यानी जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की चार गुनी है, छः वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से ढाई गुने से छः वर्ष अधिक हो जाएगी, तो दोनों की उम्र ज्ञात करनी है। हमने मान लेंगे कि पिता की उम्र, तो सबसे पहले पुत्र की उम्र क्या कहा गया कि पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की चार गुनी है, तो हमने मान लिया कि माना पुत्र की उम्र एक्स वर्ष है, तो पुत्र की जब एक्स वर्ष है तो पिता की उसकी क्या है चार गुनी होगी, प्रश्न में दिया हुआ है ना, तो चार गुनी मतलब चार को गुणा कर देंगे हम इसमें x में, तो 4x वर्ष हो जाएगी पिता की उम्र। अब देखिए 6 वर्ष बाद जब पुत्र की उम्र ज्ञात करेंगे तो 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, देखिए पहले उम्र थी x वर्ष और 6 वर्ष उसने गुजर गए तो क्या कितना बड़ा हो जाएगा, वो x प्लस 6 वर्ष का हो जाएगा बालक। इसी तरह अगर पिता की उम्र के देखेंगे तो 6 वर्ष बाद पिता की उम्र भी ज्ञात करेंगे हम, तो पिता पहले था पुत्र का चार गुना था यानी 4x वर्ष का था और 6 वर्ष बाद हो जाएगा तो 6 वर्ष और ऐड कर देंगे 4x प्लस 6 हो जाएगा। अगर देखिए बाद पूछा गया है तो जोड़ते हैं और पूर्व पूछा गया है तो घटाते हैं, इतना याद रखना है आपको। तो इस तरह जो समीकरण बनेगा यानी 4x प्लस 6 इजिकल टू 5 बट्टे 2 एक्स प्लस 6 प्लस 6। अब आप कहोगे सर आपने 5 बट्टे 2 कहाँ से रख दिया, तो देखिए चलिए प्रश्न पर आपको विपरीत यानी लौटाते हैं। तो देखिए 6 वर्ष अधिक हो जाएगी उस उम्र उसकी ढाई गुने को, यानी हम 5/2 लिख सकते हैं ना, ढाई गुने को हम कितना लिख सकते हैं 2.5 पठाएंगे तो देखो 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या लिख सकते हैं इसको 5/2 भी लिख सकते हैं हम ढाई गुने को, क्योंकि 2 से 1/2 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह हमने 5/2 क्योंकि इसको कैलकुलेशन आपको ईजी करेगा दशमलव से, इसलिए हमने इसमें 5/2 रखा है। और देखिए आपको इतना याद रखना है जब क्या कहा गया है, जब 6 वर्ष बाद उम्र पुत्र के ढाई वर्ष से अधिक हो जाएगी, जब पुत्र की उम्र ढाई गुने क्या है पिता से अधिक हो जाएगी, तो बस आपको याद रखना है कि किसकी उम्र अधिक होनी है। तो देखिए पुत्र की उम्र हमारे पास थी यानी पिता की उम्र है हमारे पास 4x प्लस 6 और पुत्र की जो है ढाई गुने से अधिक हो जाएगी, तो आपको याद रखना है उसके विपरीत चलते हैं हम, अगर पिता की उम्र ढाई गुनी थी तो पुत्र को लिखेंगे हम। तो इस तरह हमने समीकरण बनाया वो 5/2 एक्स प्लस 6 प्लस 6 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर इसे 4x प्लस 6 5/2x प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये हो जाएगा 30/2 प्लस 6 हो जाएगा, 2 से ये 15 बार कट जाएगा। और आगे हम समीकरण को देखते हैं तो 4x प्लस 6 बराबर 5x प्लस
5/2x + 15 हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा। अब देखिए, अब करना होगा कि हमें एक्स वाले को एक्स के साथ रखें और जो राशि हैं उन्हें अलग से नंबर्स को साथ में रखेंगे। तो हमने क्या किया, इसे पक्षांतर किया। जब हम इसे पक्षांतर करेंगे, ये राशि प्लस की है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाता है, माइनस की हो जाएगी। तो हमारे पास जो होगा 4x - 5/2x हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस की है, और ये क्या है आपका, ये प्लस का है तो ये भी इधर आने पर माइनस का हो जाएगा, और जब ये प्लस वाला है तो ये प्लस का 15 है, इधर आएगा पक्षांतर हो करेगा, करेंगे हम इसे तो ये इसका भी चिन्ह परिवर्तित होगा, जो माइनस का 15 हो जाएगा। अब हम इसे भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारा 2 LCM आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8 हो जाएगा, 8x - 5x / 2 माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि 6 प्लस का और माइनस का दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मित्रों अब हमारे पास जो बचा है 8x - 5x / 2 = -15 = 0, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा है तो हम 0 लिख लेते हैं, क्योंकि सवाल को करने में सिंपल आसानी होगी थी हमारी। तो देखिए 8 में से 5 घटाए तो हमारे पास 3x बचा, 3x/2 - 15, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 3x/2 = 15 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा मित्रों तो 3x = 30 हो जाएगा, एक्स बराबर यानी 3 का 10 में या 30 में डिवाइड लग जाएगा, तो जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो 10 निकलेगी। अभी यार आपका आंसर नहीं हुआ है, क्या गलत करते हैं बच्चे, यहीं तक इसे छोड़ देते हैं, हमारा आंसर हो गया। जी नहीं, अभी आपका आंसर नहीं हुआ है, क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू आई है। x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 10 वर्ष, और हम जानते हैं कि x को हमने किसको माना था, पुत्र की उम्र को हमने x वर्ष माना था, इसलिए जब पुत्र की उम्र आएगी वो 10 वर्ष आएगी, लेकिन पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी यानी 4x थी, तो पिता की उम्र ज्ञात करेंगे तो 4x था, तो 4 का जब हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 वर्ष यानी पिता की उम्र 40 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी, जो कि आपका करेक्ट उत्तर होगा मित्रों। इसी तरह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 17वां है, एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश में हर अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने क्या कहा आपसे, प्रश्न को सबसे पहले तो समझने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि प्रश्न को जब तक आप समझ नहीं पाओगे मित्रों उत्तर नहीं दे पाओगे, इसलिए प्रश्न को समझें। प्रश्न को समझाने के लिए हम रिपीट करते हैं, ए कोई परिमेय संख्या है, परिमेय आप जानते हैं कि जो हमारी संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्या होगी, का अंश उसके हर से 2 कम है, यानी अंश कम है उसके से हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो जो नई संख्या वो तैयार होती है वो 3/4 हो जाती है। संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले मान लेंगे हम, माना परिमेय संख्या का हर x है। आप कहोगे सर हर क्यों माना, क्योंकि देखिए उसमें दिया हुआ है एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यानी अंश कम है कि उसके हर से 2 कम है संख्या, तो हमें हर मानना होगा, तो हमने हर को x माना, तब अंश की वैल्यू क्या निकलेगी, x - 2, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है उसका अंश हर से 2 कम है, तब संख्या हो जाएगी हमारी, यानी p/q के रूप में लिखेंगे तो x - 2/x हो जाएगी हमारी। अब क्या करना होगा, प्रश्नानुसार देखो का क्या कहा है उसमें, यदि अंश और हर में 1 जोड़ देते हैं तो जो नई संख्या है वो 3/4 हो जाती है। जब हम अंश और हर में 1 जोड़ेंगे तो देखिए x - 2 + 1 और x + 1 बराबर नई संख्या 3/4 हो गई। अब जानते हैं कि प्लस वाला कम है माइनस वाला अधिक है, तो जो वैल्यू बची आएगी वो x - 1 आएगी ऊपर और नीचे x + 1 एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसके साथ संख्या कोई और है नहीं, बराबर 3/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4x - 4 हो जाएगा और इधर 3 का मल्टीप्लाई होगा 3x + 3 हो जाएगा। एक्स वाले को एक्स के साथ रखेंगे तो एक्स को इधर पक्षांतर किया और इसे हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 4x - 3x हो जाएगा +3 + 4, क्योंकि ये माइनस का है, पक्षांतर करने पर चिन्ह परिवर्तित होते हैं इसलिए प्लस का हो जाएगा। तो जो इनको जो वैल्यू बचेगी 4 से 3 घटाने पर 1 बचेगा x, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 आएगा। ये अभी आपका आंसर नहीं है, आप यहीं छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, तो संख्या हमें बतानी है। तो हमारी जो संख्या थी वो x - 2/x थी, इसीलिए हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 7 निकली है, 7 - 2/7, तो 7 में से जब हम 2 घटाएंगे तो जो आएगा हमारा 5/7 आपका उत्तर होगा मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 18वां प्रश्न है, एक बोर्ड मास के नियम से होगा, 80 × (बड़ा ब्रैकेट है 56 - (मझला कोष्ठक) 7 × 8 + 13 - 2 × 5 कोष्ठक बंद है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, बोर्ड मास का नियम, सबसे पहले छोटे कोष्ठक को हम सॉल्व करते हैं, छोटे कोष्ठक के अंदर जितनी भी हमारी कैलकुलेशन है उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़े कैलकुलेशन यानी मझले कोष्ठक पर, उसके बाद बड़े कोष्ठक पर अगर बार है तो भी बोर्ड मास का नियम फॉलो करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर
इसे मल्टीप्लाई क्यों डिवाइड तो है नहीं, तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 13 माइनस के 10, तो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा आपका 3 निकलेगा, ब्रैकेट से बाहर हमारा 3 निकला मित्रों। आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं, तो इधर पहले मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, 56 में हम 3 जोड़ेंगे क्योंकि इधर कंप्लीट ब्रैकेट करना है, 56 में 3 जोड़ने पर हमारा 59 हो जाएगा मित्रों। आगे ब्रैकेट ये कंप्लीट हो गया हमारा, 56 ऊपर है, 56 माइनस के 3, तो अधिक संख्या किसकी आपकी माइनस की है, तो माइनस का 3 होगा, माइनस का 3 हम 80 में मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 240 आ जाएगा, 8 3 24 जो कि नेगेटिव होगा। इस तरह आप इसे सॉल्व कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों यह प्रश्न पत्र की जो श्रृंखला है वो आपकी काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो हमारे जितने भी BTC प्रशिक्षण प्राप्त करने भाई बंधु उन सभी को इसको साथ शेयर कीजिए, अधिक से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस बार UPTET टैगलाइन के साथ UPTET भी क्लासेज प्रारंभ में, आप उसे भी तैयारी करते रहें, साथ साथ चलते रहें, देखते रहें। नमस्कार मित्रों।